हेलो फ्रेंड्स जय हिंद स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल सी 2024 के छियालीस पदों का फिजिकल 23 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक कंडक्ट होना है और दोस्तों इस बार आप जानते हैं कि फिजिकल के साथ साथ मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और री भी आपका एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा और दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उनसठ सेंटर ऐसे हैं जहां पे आपका मेडिकल चलेगा और बाकी के सेंटरों पे आपका पीएमटी पीएसटी चलेगा और शुरुआत के दोस्तों सात दिन आपके सो बच्चे पर डे सभी सेंटर में बुलाए जाएंगे उसके बाद आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा दोस्तों तो ऐसे में दोस्तों जो उनसठ सेंटर है मेडिकल की उनकी लिस्ट यहां पे डिक्लेयर हुई है और इनके इंस्ट्रक्शन भी यहां पे जारी हुए हैं तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ऑफिशियल तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम ये कामना करते हैं इस बार गणपति भगवान आपकी सुने और आपकी कॉन्स्टेबल जीडी की नौकरी जिसकी तैयारी आप मन से लगा के कर रहे हैं बढ़िया तरीके से आप कर रहे हैं आपने टाइम दिया है पैसा खर्च किया है ठीक है और एक रूटीन से आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके आप इस इवेंट पे पहुंचे हैं तो हम यही कामना करते हैं कि फिजिकल मेडिकल को सफलतापूर्वक पार करके आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़े तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो लिस्ट आई है उसकी हम बात कर लेते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था ये आपका पता है कि एस का नोटिस आया था कल दोस्तों इसमें भी इन्होंने यही बात की है कि समय रहते मतलब टाइम पीरियड को कम करने के लिए इस बार हम पीएसटी, पीएमटी और डीवी जो सारी चीजें हैं वो एक साथ ही हम करवाने वाले हैं ठीक है अब ये दोस्तों आपकी सेंटरों की लिस्ट यहाँ पे आई है ये आप देख सकते हो कंडक्ट ऑफ डिटेल मेडिकल रिमेडिकल ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी एग्जाम 2024, ठीक है एस एस कॉन्स्टेबल की तरफ से भेजा गया है आर के पुरम की तरफ से ठीक है तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने बोला है मतलब मतलब ये 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 के लिए जो आई ये है है ये है कि हमारे पास भैया इस की कमी है। तो ये डॉक्टर वहां से लेके आओ ये डॉक्टर वहां से लेके आओ तो उनके रिगार्डिंग है तो ये आपका मतलब आपके लिए जरूरी भी नहीं है ये चीज मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भैया यहां पे कितने सेंटर हैं तो यहां पे पहली ही लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है देखिए जरा ध्यान से एज लेटर अंडर रिफरेंस द बोर्ड ऑफ मेडिकल ऑफिसर डिटेल एग्जामिनेशन एट एक सौ पांच इज ऑल्सो टू बी डिटेल्ड बाई द डायरेक्टर्स मेडिकल एज पर अपेंडिक्स बी ठीक है द विजिलेंस एंड इंटीग्रेटरी सर्टिफिकेट इज रेस्पेक्ट ऑल डिटेल मेडिकल ऑफिसर शुड बी ऑपटेन फ्रॉम रेस्पेक्टिव फोर्सिस तो सभी फोर्सेस को मिला जोला के यहां पे मेडिकल होगा यानी यहां पे जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा आई टीबी करवाएगी एसएसबी भी करवाएगी सीआरपी भी, भी करवाएगी देख लेते हैं जरा यहाँ पे कौन कौन से सेंटर हैं पहले हम सेंटरों की लिस्ट यहां पे देखेंगे ठीक है ये सारे इंस्ट्रक्शन है कि भैया हमें क्या क्या मतलब कितना स्टाफ चाहिए किसके लिए चाहिए मेडिकल के कितना है रिमेडिकल के कितना है ठीक है दोस्तों ये चीजें हैं और ये नोटिस देख सकते हैं चार सितंबर का आज से दो दिन पहले का ठीक है तो यहां से आप देखेंगे ये आपकी लिस्ट हो जाती है दोस्तों ठीक है ये आपकी लिस्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका सेंटर भैया सीआरपीएफ का भी है ठीक है यहां पे आप देखोगे बीएसएफ में भी मेडिकल हो रहा है एसएसबी में मेडिकल होगा ये एसएसबी का है सीआरपीएफ है और नीचे दोस्तों आईटीबीपी भी है यहां पे आप देख सकते हो आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा में भी आपके मेडिकल चलने वाले हैं यहां से इनके आई स्पेशलिस्ट इनको बुलाया है रीमेडिकल के लिए ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो कलकत्ता वगैरह दुर्गापुर सीआरपीएफ बी एस एफ कोच बराह ठीक है यहाँ पे बी एस एफ नादिया ठीक है कदमातला कौन सी कोलकाता में है ये तो ये मतलब कहने का ये कि आपका जो मेडिकल है वो भी फिजिकल की तरह ही सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज मिलके कंडक्ट करवाएंगी ठीक है तो भैया तैयार हो जाइए फिजिकल मेडिकल रीमेडिकल डॉक्यूमेंट सारी चीजें आपकी एक साथ होंगी तो थोड़ा सा मन के अंदर डर भी लग रहा होगा कि यार क्या होगा डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है अगर किसी का मेजर पॉइंट है तो ही पॉइंट बनेगा नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेडिकल के ऊपर हम डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है दोस्तों फिलहाल अपडेट ये है कि आपकी सारी की सारी चीजें तैयारी कर चुकी है मतलब सब चीजों की तैयारी हो चुकी है बस शुरुआत है मतलब आपका जैसे नोटिस आएगा मेडिकल अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा एस या सी की तरफ से कि आपका फिजिकल मेडिकल आपका इसी सप्ताह आ जाएगा एक दो दिन में आज कल में आने वाला है कि 23 सितंबर से लेकर हम 8 नवंबर तक आपका फिजिकल मेडिकल कंडक्ट करवाएंगे तो बी रेडी फॉर द इवेंट दोस्तों ठीक है तो ये आप देख सकते हो आपकी सारी की सारी लिस्ट है यहां पे उनसठ सेंटर है दोस्तों फिर ये जो आपकी मेडिकल ऑफिसर डिटेल मेडिकल के लिए है तो ये भी इन्होंने लिस्ट डाली हुई है तो ये डिटेल मेडिकल की है तो सारी लिस्ट यहां पे डल चुकी है दोस्तों ठीक है भैया तो बड़ी बात ये है कि जो आपके पीएमटी पीएसटी पीएचटी है हमने बहुत पहले बता दिया था कि तेईस सेप्टेम्बर से लेकर आठ नवंबर तक ही चलेंगे तो उस समय भी बच्चे ये बोले कि इस प्रकार की सर डेट बार बार आती रहती है तो आप ये ऐसे क्यों बता रहे हो तो ये ऑफिशियल अपडेट हमने आपको दी थी 23 सितंबर से 8 नवंबर तक आपके फिजिकल मेडिकल चलने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो तैयार हो जाइए ऑल बेस्ट सभी को बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अगर आप फिट हैं तो कोई आपको अनफिट नहीं कर सकता और अगर आपका एस एस सी का एग्जाम नहीं निकला है दो का नहीं निकला है और आप तैयारी कर रहे हैं एस एस सी की तो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए मंजिल बैच चार सौ निन्यानवे रुपए में आपको ये बैच मिलेगा लाइव क्लास पीडीएफ नोट्स साथ साथ ही मोक टेस्ट इस बैच में आपको मिलने वाले हैं बढ़िया फैकल्टी इसके अलावा यूट्यूब पे भी हम मैराथन क्लास लेके आएंगे दो दो घंटे की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर खाली आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं भैया मेरे को तो सर प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मंडे से बढ़िया तरीके से रेगुलर आपके साथ जुड़ रहे हैं वीडियो करें, करें। को लाइक करें शेयर करें को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी तैयारी है या नहीं है और मेडिकल से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो कमेंट कर दीजिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए ले आऊंगा धन्यवाद जय हिंद